एक ओर जहां सारा देश कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एकजुट है, तो दूसरी ओर अपने ग्रीन हाउस में फूलों की पैदावार करने वाले किसान मायूस हैं, क्योंकि ना तो उनके फूल बिक रहे हैं और ना ही फूलों को बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयां मिल रही हैं, जिससे इन किसानों को लाखों रुपए का नुकसान होना शुरू हो गया है। नमहोल के फूल उत्पादकों ने अपने ग्रीन हाउस में पैदा हुए लाखों रुपए के फूलों को सड़क के किनारे फेंक दिया। फूल उत्पादक राजपाल और मुनीश ने सरकार से मांग की है कि कीटनाशक की दुकानों को खोलने का समय निर्धारित किया जाए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।